So, generations of computer, history of computer. From the 1950s, the computer age took off in full force. The years since then have been divided into periods and generation based on the technology used. जैसे जैसे हमारा जनरेशन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे और टेक्नोलॉजीज यूज होते गए और हमारे कंप्यूटर और एडवांस होते गए. सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स. ओके किड्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स. ओके वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बट उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते थे. ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते वक्त ये वाले कंप्यूटर्स में दे वर हैविंग छोटे छोटे ट्यूब्स. ओके जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता था. ओके जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता था और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो बार बार खराब होता था. सो फॉर दैट रीजन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज नीडिंग एंड इंस्टॉलेशन अगेन एंड अगेन. ठीक है, इंस्टॉलेशन उसको बार बार लगता था. ठीक है, और उसी के वजह से वो बार बार इंस्टॉलेशन की वजह से उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा होता था, वो एक्सपेंसिव होता था. सो सब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो लोग ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अफोर्ड कर सकते थे. ओके ठीक है, सो दैट थिंग इज हियर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स बिकॉज ऑफ यूजिंग स्मॉल लाइट बल्ब्स. बिग अमाउंट ऑफ हीट वॉज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दैट. इंस्टॉलेशन बार बार करना पड़ता था एंड बिकॉज ऑफ इंस्टॉलिंग अगेन एंड अगेन इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट वॉज बींग अफोर्डेड ओनली बाय अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. ओके कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मशीन कोड क्या होता है वी विल बी सीइंग आफ्टरवर्ड्स. ओके नेक्स्ट कम्स सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर यूजिंग ट्रांजिस्टर्स. क्या यूज करते थे? ट्रांजिस्टर्स. सेकेंड जनरेशन पर यूजिंग ट्रांजिस्टर्स जो वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा सस्ते थे, चीपर था. ठीक है, और थोड़ा कम पावर भी कंज्यूम करते थे. ठीक है, और थोड़ा छोटा भी था बट स्टिल. ठीक है, बट स्टिल इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज बट स्टिल इससे थोड़ा एक्सपेंसिव था और वेरी बिग इट वॉज. सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा एक्सपेंसिव था. फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा कम चीपर था वो. ठीक है, विच लैंग्वेजेस इट वाज यूजिंग? फॉरट्रेन एंड कोबोल. सेकेंड जनरेशन वाज यूजिंग फॉरट्रेन एंड कोबोल एंड फर्स्ट जनरेशन वाज यूजिंग मशीन कोड. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन क्या यूज करते थे? मशीन कोड. ओके एंड सेकेंड जनरेशन यूज यूजिंग फॉरट्रेन एंड कोबोल. ओके I hope we are clear with this. Third generation computer used integrated circuits. What they used? Integrated circuits in place of transistor. A single IC has many transistor, resistor, capacitor along with the associated circuitry. ठीक है, तो third generation of computer में input and output devices introduce हुए थे. इनपुट इन द सेंस कीबोर्ड, आउटपुट इन द सेंस मॉनिटर. दिस थिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस एंड दे वर यूजिंग विच लैंग्वेज? कोबोल, पास्कल, बेसिक. बेसिक मतलब क्यू बेसिक, वो आपको आएगा. व्हाट इज द क्यू बेसिक लैंग्वेज? वी विल बी लर्निंग दिस ईयर ओनली. ओके सो दिस लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. और वो क्या यूज करते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ओके फिर नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज्ड VLSI. दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके विच सॉरी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स. ये ऐसे आपने देखा होगा शायद ये वाला. ठीक है, मदरबोर्ड की जैसे दिखता है. जैसे हमारे सीपीयू में आजकल मदरबोर्ड प्रेजेंट रहता है, इट इज लुकिंग लाइक दैट ओनली. जिसमें बहुत सारे सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, बहुत कुछ है. हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या है, बट इट इज यूजिंग मैनी ट्रांजिस्टर्स, मैनी सर्किट एलिमेंट्स. ओके सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकेम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल रिलेटेड कंपेयर टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड.
compared to first, second, and third, fourth generation language were very cheaper, reliable, and compact. Compact means chota, or affordable means many of the people were able to afford that computers. Okay, as a result, it gave a rise to a personal computer, that is PC. पर्सनल कंप्यूटर मीन्स जो हमारे लैब में है, कंप्यूटर लैब में है, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे पीसी, पर्सनल कंप्यूटर. इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड. नाउ ये सब क्या है, यू वर एबल टू यूज इंटरनेट ऑल्सो इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. ओके, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आपने इंटरनेट यूज किया, फिर एक पीसी में से दूसरे पीसी में आप लोग फाइल भी दे सकते थे, ठीक है, शेयर कर सकते थे. अभी आप समझ सकते हो, हमारे कंप्यूटर लैब में अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट? अगर ये लाइन वाला कंप्यूटर है, सो दैट ऑल द फोर कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. मतलब जो फर्स्ट पीसी पे है वो आपको फोर्थ पीसी पे भी दिखेगा. ओके, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर हैविंग दिस टाइप ऑफ फीचर्स दैट वी वर एबल टू we were able to share our files. Okay, all the high level languages like C, C++, database were used in this generation. जो C है, C++ है, database है, Java है, ये सब हम लोग fourth generation में use करते थे or else we are using it now also. Okay, ठीक है, तो दिस इज अबाउट फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. वी विल सी द एडवांटेजेस. फास्टेस्ट इन कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन मीन्स द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. ओके, फास्टेस्ट इन कंप्यूटेशन एंड साइज गेट रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितना बड़ा था? पूरे रूम जितना बड़ा था, राइट? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सबसे बड़ा था, सब रूम जैसा बड़ा. और भी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज लैपटॉप. वी कैन टेक इट ऑन अवर लैप ऑल्सो. ओके, हम लोग एक टेबल पे रख सकते हैं, हम लोग अपने लैप पे रख सकते हैं, इतना वो छोटा हो गया. एंड द वर्किंग इज ऑल्सो वेरी फास्ट कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. हीट जनरेटर इज नेग्लिजिबल. जनरेट होता है हीट व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, व्हेनेवर यू आर वर्किंग विथ एनी मशीन, वो मशीन हीट जनरेट करता है, बट नेग्लिजिबल है, हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. Okay, small in size as compared to previous generation computer, less maintenance required. Abhi first, second and third computer the, generation computer the, usko maintenance bar bar lagta tha, wo bar bar kharab hota tha. But this fourth generation computer are working for a very long period, aur jo maintenance hai wo kam lagta hai. Theek hai, maintenance means we can say the मेंटेनेंस मीन्स उसको सुधारना या फिर उसमें कुछ इफेक्ट डिफेक्ट आना, ये सब उसको हम लोग मेंटेनेंस में ले सकते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. नाउ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सिर्फ मशीन कोड यूज होता था, ठीक है. सेकेंड जनरेशन में सिर्फ फोरट्रेन यूज होता था, ठीक है. थर्ड जनरेशन में सिर्फ कोबोल और पास्कल यूज होता था, बट फोर्थ जनरेशन में सारे यू कैन यूज n number of languages in this computer. Disadvantages kya hai is computer ke? The microprocessor design and fabrication are very complex. Jo bhi microprocessor hai, ye maine aapko dikhaya na, this one, ye wala. Abhi isko dekh ke aapko kuch samajh mein aayega? No. We will be not able to understand anything by seeing this. Okay. So it is said that microprocessor design and fabrication are very complex. Air conditioning is required in many cases due to presence of ICs. Advanced technology is required to make the IC. Advanced technology use hota hai fourth generation computers banane ke liye. Theek hai, we need advanced technology for making a fourth generation computers. Okay, and air conditioning. As I said, air conditioning हर एक generation में is very necessary because your computer is producing heat. तो वो heat को कम करने के लिए air conditioning is very necessary. Okay, otherwise it will be a blast. Okay, so for that air conditioning is necessary. So it comes in a disadvantage. Okay,
Next day, now fourth generation computer वो पीसी तक ही सीमित है. ठीक है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर विच आर प्रेजेंट इन आवर स्कूल कंप्यूटर लैब. ओके, अब फिफ्थ जनरेशन क्या है विच आर यूजिंग ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ओके, VLSI से भी बड़ा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ओके, फिर रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. अब आपने देखा कि सीपीयू के मदरबोर्ड इतना कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, सीपीयू का मदरबोर्ड इतना कॉम्प्लेक्स में है, उसमें इतने सारे ट्रांजिस्टर्स है, उसमें इतने सारे माइक्रो प्रोसेसर चिप्स है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इसमें लैपटॉप में कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा. ठीक है, सो इट इज सेड दैट दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर. AI is an emerging branch in computer science which interprets means and methods of making computer think like human beings. All the high-level languages like C and C++, Java, .NET are used in this generation. Ab ye AI kya hai? Now, you all may be knowing that from 6th standard, we are having artificial intelligence robotics lecture. Right? So, wo jo lectures hai, wo, that will be based on 5th generation content. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. ओके, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या किया है साइंटिस्ट जो भी डिजाइन कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू इन्वेंट द कंप्यूटर्स सच दैट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइक अ ह्यूमन बींग. ठीक है, अभी फिलहाल वी आर नॉट एबल टू टॉक विद द कंप्यूटर. राइट, यू आर नॉट एबल टू टॉक विद योर लैपटॉप, यू आर नॉट एबल टू टॉक विद योर पीसी. राइट, बट नाउअडेज दे आर वर्किंग ऑन दैट that mode in which the computer can literally contact with you. Okay, so think like a human being. So that comes in fifth generation of language. Okay, one example I can give is robot. Many robots are made. Okay, many robots are made. Robots kya hai? They are one machine only. Okay, they are machine only, and machine hai matlab they are they are machine only and they are used to they are thinking like human beings only. Sorry kids, machines hai but they are thinking like a human only, they are working like a human only, robots. Okay, so we can compare fifth generation with the robots also. Okay, so I hope we are clear with first, second, third, fourth and fifth generation of computers. Now we'll see the advantages. It is more reliable and works faster. It is available in different size and unique features. It provides computers with more user-friendly interfaces with multimedia features. More reliable and works faster. मतलब उसको हम लोग तुरंत समझ भी सकते हैं और वो सबसे जल्दी जल्दी काम भी कर सकता है. Okay, it is available in different size. इतने साइज से इतने साइज तक इट इज अवेलेबल विथ यूनिक फीचर्स. टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटपैड हो गया, ये सब एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन डिफरेंट साइजेस और हर एक चीज में अलग अलग फीचर्स है. ठीक है, इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर्स विथ मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस एंड सॉरी विथ मल्टीमीडिया फीचर. मतलब कंप्यूटर्स ऐसे डिजाइंड हुए हैं कि अगर मैं वो कंप्यूटर लेके बैठती हूँ तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फीचर्स वेरी इजिली. अभी आप जब नया मोबाइल फोन खरीदते हो, ओके, व्हेनेवर योर पेरेंट्स आर यूज बाइंग न्यू फोन, तो सबसे पहले आप फोन लेके बैठते हो एंड यू आर सर्चिंग द फीचर्स. राइट, तो वो फीचर आप लोगों को फटाफट समझ में आ जाते हैं. दैट आर उसको हम लोग बोलते हैं यूजर फ्रेंडली, मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली. ओके, disadvantages इसी क्या है, they need very low level language, they may make the human brain dull and doomed. मतलब low level languages इसमें they need low level languages
and they may make the human brain dull and domed. Okay, dull and domed मतलब human brain उसको देख के उसके अंदर means इतना busy हो जाएगा कि वो सोचना कम कर देगा. ठीक है, so that is the main of dull and domed. Next comes the front panel of computer case. Okay, front panel of computer case मतलब computer case का मतलब होता है कंप्यूटर केस का मतलब होता है सीपीयू. ठीक है, सीपीयू का फ्रंट पैनल. ठीक है, सीपीयू का फ्रंट पैनल. फ्रंट पैनल में क्या क्या होता है? सीडी ड्राइव होता है, पावर एलईडी होता है, पावर बटन होता है, रीसेट, स्पीकर, यूएसबी पोर्ट. एवरीबडी हैव सीन द सीपीयू, राइट? सीपीयू सबने देखा है. ओके, नाउ दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द सीपीयू. जैसे सीपीयू होता है उसके फ्रंट साइड पे क्या क्या होता है? ऊपर सीडी ड्राइव होता है, यहाँ पे आप सीडी इंसर्ट कर सकते हो. पावर एलईडी मींस जब भी आप सीपीयू ऑन करते हो, कंप्यूटर ऑन करते हो, तो यहाँ पे रेड और ब्लू लाइट आता है, ब्लिंक होता है. सो दैट इज पावर एलईडी. दिस इज पावर बटन. ओके, विच इज समवट लाइक दिस. ठीक है, पावर बटन होता है. ठीक है, फिर आता है रीसेट बटन. अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है या फिर कुछ इश्यू हो गया है तो यू कैन प्रेस रीसेट बटन, तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा. स्पीकर जैक मतलब जैसे हम लोग उसमें हेडफोन्स डाल के सुन सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में हेडफोन्स डालने के लिए एक पोर्ट होता है राउंड वाला, वैसे सीपीयू में भी अवेलेबल रहता है. सेम स्पीकर जैक इज ऑल्सो अवेलेबल इन सीपीयू एंड यूएसबी पोर्ट. यूएसबी पोर्ट यू ऑल नो, यूएसबी पोर्ट इज यूज फॉर inserting pen drive, right? Is it clear, everybody? So again, CPU is CPU panel front side is consisting of CD drive or DVD drive, power LED, power button, reset button, speaker jack, and USB port. Okay, USB port. Again, I will repeat: CD and DVD drive, power LED, power button, reset button, speaker, and USB port. Six things are available on the front side of the CPU. Okay, six things are available on the front side of the CPU. Now coming to the back side, coming to the back side, back side pe kya kya hota hai? It's somewhat a very, I will just zoom it. See. पोर्ट्स होते हैं, सीरियल पोर्ट, वीजीए वीडियो. नाउ वीजीए वीडियो किसके लिए यूज होता है? फॉर अटैचिंग मॉनिटर. ठीक है, वो ब्लू कलर में होता है. ओके, दिस वन ब्लू कलर में होता है. वो वीजीए वीडियो किसके लिए यूज होता है? फॉर अटैचिंग द मॉनिटर. यूएसबी पोर्ट्स होते हैं जिससे हम लोग कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव ये सब अटैच कर सकते हैं. ऑडियो जैक्स होते हैं जिससे हम लोग स्पीकर अटैच कर सकते हैं. ओके, with the help of which we can attach the speakers. This is parallel port which is also attached with the CPU only, array monitor only, power supply. ठीक है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, main things are ports, serial port, VGA video, USB port, audio jacks, power supply. Okay, this is a main power supply of the CPU which is attached with a power button. जो हमारा power button है ना उससे attach होता है. Okay, so front panel, front side of CPU is consisting of CD, DVD drive, power LED, power button, reset, speaker jack, and USB port. And the back side of CPU is consisting of VGA video, USB ports, power supply. ठीक है, ऑडियो जैक्स. यू कैन नेम एनी फोर, थ्री टू फोर, जो भी याद रहेगा आप मुझे बता सकते हो. ठीक है, किड्स, आई विल अगेन टेल यू, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, यू कैन नोट डाउन द थिंग्स सो दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज इट अगेन. ओके, आई विल रिपीट इट अगेन. फ्रंट साइड ऑफ द कंप्यूटर केस इज कंसिस्टिंग ऑफ सीडी, पावर एलईडी, पावर बटन, रीसेट, स्पीकर, यूएसबी पोर्ट. एंड बैक साइड ऑफ कंप्यूटर इज using a serial port, VGA video which is used for connecting monitor, USB port which is used for connecting keyboard, mouse and pen drive,
audio jacks which is used to connect a speaker, okay, which is used to connect speaker and power supply, which is used to connect the main power. Okay, is it clear? Okay, now in last lecture, many of the students were asking me, teacher, what are the languages? Okay, what are the languages of the computer? Languages कौन से होते हैं? यहाँ पे मैंने दिया है, different types of languages are present. Java, C++, JavaScript, C#, PHP, Ruby, Python, Perl, Visual Basic. These all are the languages of the computer which are used. Okay, which are used by the computer. Now, to communicate with the computer, we need to know the computer language, the language understood by the computer. As it is not able to understand the human languages, so we will have to learn the language which computer can understand. Now, हमारा अभी टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं बढ़ा है दैट वी आर एबल टू डायरेक्टली टॉक विद द कंप्यूटर. वी नीड टू लर्न द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर ओनली. ओके, तो ऐसी लैंग्वेज हमको लर्न करनी है जो कंप्यूटर को समझ में आए. सो यू वी आर नॉट एबल टू टॉक विद द कंप्यूटर, राइट? सो फॉर दैट वी विल बी लर्निंग अबाउट द लैंग्वेजेस which is understood by a computer. Or kaun si computer languages hai? And which language is understood by a computer? Machine language. Zero and one wala language. Zero and one wala language is understood by a computer. Okay, this is also known as binary. Okay, this is also known as binary language, or it is also known as machine language. ओके, इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं और बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. नाउ जीरो एंड वन लैंग्वेज इज ओनली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर हमेशा जीरो एंड वन वाला ही समझेगा. अब आप पूछोगे, टीचर जीरो एंड वन वाला लैंग्वेज हम लोग कैसे पढ़ेंगे? बट वो आपका इश्यू नहीं है, इट इज द इश्यू ऑफ कंप्यूटर. इट विल सी, आप लोग पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे कि क्यू बेसिक है एंड मेनी मोर थिंग्स. ओके, so I hope we are clear with this. Now we will again go through the generation of the computers. How many generation of computers are there? 5. First generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation, which is now continued. First generation was using vacuum tubes. Okay, first generation computer were using vacuum tubes and it was very big in size and it was very expensive. Okay, second generation were using transistors. Okay, which was thoda sa cheaper tha first generation se. Okay, and it was using Fortran and COBOL languages. It was using Fortran and COBOL languages. ओके, द कंप्यूटर्स यूज बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें भी मल्टी प्रोग्रामिंग होता था. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन विच वर यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब आईसीज यूज होता था उसमें. तो ऑल्सो इट वर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस, फोर्ट्रैन, कोबोल, पास्कल, बेसिक एंड मेनी मोर थिंग्स. ओके, सो दिस वर यूज बाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आए थे, जैसे कि कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस वर इंट्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट कम्स फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज वाज यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके, इट वर यूजिंग C++ डेटाबेस एंड उसका जो मदरबोर्ड था वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स. उसका जो मदरबोर्ड था, दिस वन वाज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट वाज वेरी हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टर्स एंड ऑल. ओके, फिर आया था बट
compared to first, second, and third, fourth generation was very compact, powerful, reliable, and affordable. And it was a multitasking machine. At a time, we were able to do many work at a time. जैसे कि अभी आप PC पे you can read the document also, you can hear the music also, okay, watch the video also, right? So this all things were able to do do at a same time. So it is also known as a multitasking machine. Okay. Next is fifth generation language, which is continuing in nowadays also. और उस पर अभी भी रिसर्च हो रहा है कि डायरेक्टली हाउ कैन वी आर एबल टू टॉक विद अ कंप्यूटर. और उसका एक रेडी किया है, दैट इज रोबोट. विद द हेल्प ऑफ रोबोट वी आर एबल टू टॉक विद हिम एंड ही कैन वर्क, ही कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन ऑल्सो. ओके, नाउ आप सिर्फ सोच के रखो कि कौन सा एक रोबोट, कोई भी एक रोबोट का नाम आपको अगर याद आ रहा रहेगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दो, ठीक है? अभी नहीं, बाद में, ठीक है? तो पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1980 टिल डेट. इन द फिफ्थ जनरेशन द VLSI टेक्नोलॉजी बिकम USI टेक्नोलॉजी, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स. सबसे बड़ी बात, इन कंप्यूटर्स वी आर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर. ओके, ये आपको याद रखना है, इन कंप्यूटर्स वी आर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर चिप. ओके, फिर हमने पढ़ा फ्रंट पैनल ऑफ कंप्यूटर केस फॉर फ्रंट साइड ऑफ CPU. फ्रंट साइड ऑफ CPU इज हैविंग CD एंड DVD ड्राइव, पावर LED, पावर बटन, रीसेट बटन, स्पीकर, USB पोर्ट. दिस थिंग्स आर प्रेजेंट. ओके, दिस थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड. और बैक साइड पे क्या होता है, सीरियल पोर्ट होता है, VGA वीडियो होता है, USB पोर्ट होता है, ऑडियो जैक्स एंड पावर सप्लाई. Serial ports are used for joining internet facility and all. VGA video is used to join monitor. USB port are used to join keyboard, mouse and pen drive. Audio jacks are used for joining the speaker. And power supply is the main power supply which is joined with our main switchboard. Okay. Next, the different languages of computers. There are many languages of computer. उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे mention किया है. Okay, Java, C++, JavaScript, Visual Basic. ये सब क्या है आपको नहीं पता चलेगा अभी. It's okay, but in next lecture we are going to learn about QBasic. Okay, and it is a language only, and it's very easy language. Okay, so for communicating with a computer, we need to know the languages which computer can understand. Okay, so uske liye we need to learn some this type of languages. Okay, so I hope I am clear with this. Now any doubts from your side?